नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में लगातार सक्रिय बाइक चोर गिरोह और मोबाइल लूट करने वाले गिरोह सक्रिय होते जा रहे हैं। उसी तरीके से दरभंगा पुलिस भी इन अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही मोटरसाइकिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद अब हयाघाट से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर कांड का खुलासा किया। हयाघाट में एक ही जगह से एक मोटरसाइकिल और पिकअप को लूटने वाले को पुलिस ने चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं दरभंगा सिटी SP सागर कुमार झा ने कहा कि एक टीम बनाकर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। हयाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी बिलासपुर के कटानी के पास दिनांक 29 अगस्त को रात्रि में करीब 11:30 बजे शिव कुमार एवं शहादत, ये दो व्यक्तियों के विरुद्ध जो है दो व्यक्तियों के साथ जो है घटना किया गया था, लूट का घटना, एक के बाद एक घटना एक ही घटना स्थल के पास जो है वो किया गया था। तो उसी घटना का जो है वो उसी कांड का उद्भेदन जो है वो किया गया है। तो इसमें वादी शिव कुमार पिता भगलू पासवान साकिन उलियाबाद थाना हयाघाट को पिकअप ले जाने के क्रम में अपराधकर्मी बलवंत कुमार, सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार सिंह एवं सुजीत कुमार सिंह, ये 4 व्यक्तियों के द्वारा पिकअप को रुकवाकर हथियार का भय दिखा करके मोबाइल तथा रुपया लूट लिया गया था। तो पहले व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 1100 रुपये एवं दूसरे व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 800 रुपये लूट लेने की घटना घटित हुई थी। तो इस संबंध में लिखित आवेदन दिया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया प्राथमिकी दर्ज करने के बाद। तो इसमें थानाध्यक्ष हयाघाट पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह के तत्परता से इस घटना का जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया है, चारों नामजद अभियुक्तों को। और इसके अलावा उनके पास से बरामदगी में तलाशी के क्रम में उनके पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस एवं लूटी गई मोबाइल फोन जो है 2 जो लूटा गया था, इसके अलावा जो तलाशी के क्रम में 4 उनका अपना मोबाइल जो है वो बरामद किया गया। इसके अलावा जो कुल राशि बरामदगी है वो 1300 रुपये। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटना का उद्भेदन किया गया है, 4 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के अगले दिन ये लोग एक होटल में बैठ करके खाना खा रहे थे, जिनका नाम फ्रेंड जोन होटल हयाघाट है। तो इसकी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, तत्परता से तलाशी लिया गया, तो ये संपूर्ण घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। और किसी को रिमांड पर भी लिया गया सर? इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो की गई है और इन 4 को आज माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसको इसका जो गिरफ्तारी स्थल है वो फ्रेंड जोन होटल हयाघाट है, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। क्या ये लोग कोई गिरोह से चल रहे थे या फिर? अभी तक तो गिरोह की बात सामने नहीं आई है, इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो कल्याणपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इस छापेमारी टीम में पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह के अलावा थानाध्यक्ष के अलावा हरिशंकर हरिजन सवनी एवं कुवनी जीता कुमारी, PTC सुधीर कुमार एवं थाना के रिजर्व गार्ड शामिल थे। और भी कोई अभियुक्त इसमें शामिल है? इसमें और अभियुक्त की अभी तक जो है वो सम्मिलित होने की बात सामने नहीं आई है। सर, अगर इस तरह की जो घटनाएं आए दिन जो दरभंगा जिला में घट रही है तो रिपोर्ट क्राइम जो पुलिस का रोल है, जो गश्ती है, वो मुस्तैदी से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सड़कों पर छोटी छोटी घटनाएं हो रही, तो क्या पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग को हम लोग जो है वो सुदृढ़ करने का निर्देश दिए भी हैं, लेकिन जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो घटती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग जितने भी लूट कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं अधिकांश को हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर ले रहे हैं, राशि की भी बरामदगी हो रही है और हम लोग गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक यू। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।